स्प्लिट एयर कंडीशनर का इंस्टॉलेशन एक महत्वपूर्ण जॉब है। एयर कंडीशनर का इंस्टॉलेशन अगर एक्यूरेट वे से होता है तो वो आपको ऑप्टिमम कूलिंग डिलीवर करता है, पर अगर इंस्टॉलेशन ठीक तरह से नहीं होगा तो आप एयर कंडीशनर से डिजायर्ड कूलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ओवर इंस्टॉलेशन एयर कंडीशनर में फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस प्रॉब्लम को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए आपको इंडोर यूनिट को माउंट करने से पहले कुछ की पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन वॉल एंड इंडोर यूनिट। स्प्लिट एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट के इंस्टॉलेशन के टाइम यह ध्यान रखना चाहिए कि इंडोर यूनिट के टॉप और साइड वॉल में एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर की ओपन स्पेस रहनी चाहिए ताकि इंडोर यूनिट से प्रॉपर एयर फ्लो हो सके। सेकेंड पॉइंट है अप्रोप्रिएट इंस्टॉलेशन हाइट फ्रॉम ग्राउंड। इंडोर यूनिट को माउंट करने के टाइम ध्यान देना चाहिए कि इंडोर यूनिट में और फ्लोर में एटलीस्ट 7 से 8 फीट का गैप होना चाहिए ताकि रूम में एडिक्वेट कूलिंग मिल सके। लास्ट पॉइंट इज करेक्ट टिल्ट एंगल ऑफ इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट के एल्यूमिनियम के ब्रैकेट को फिक्स करने से पहले यह श्योर कर ले कि एल्यूमिनियम ब्रैकेट में स्लाइट टिल्ट एंगल हो ताकि इंडोर यूनिट के इवेपोरेटर कॉइल से निकलने वाले ड्रेन वाटर में कोई रुकावट ना आए और वह एक सही बहाव के साथ ड्रेन पाइप के थ्रू बाहर निकल जाए। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको स्प्लिट एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट को माउंट करने में मददगार रहेंगे।